लोग आ गए हैं रेल पहिया कारखाना बेला में, रेल व्हील प्लांट है ये है बेला में। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। और अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आपको इससे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। अगर आप NTPC या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो आपको इसमें जॉब करने का भी मौका मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं हूँ पटना में और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रेलवे का जो चक्का फैक्ट्री है, कारखाना है, रेलवे व्हील फैक्ट्री है जो कि बेला में है। यहाँ से करीब 50 से लेकर 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि रेलवे चक्का फैक्ट्री को, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग रेलवे में तैयारी करते हैं, रेलवे के लिए स्टूडेंट हैं, अभी जो रेलवे NTPC और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो है, ये वीडियो केवल मोटिवेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। मैं कोई एक ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक एडुकेटर हूँ जो कि मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प मिल सके और एनर्जी आ सके। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कल नोटिस आया है रेलवे का, तो चलिए तो हम आपको रेलवे कारखाना दिखाते हैं। यहाँ से हमको जाने में करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, चलिए तो चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं न्यू दीघा ब्रिज पे। देखिए हम लोग दीघा ब्रिज पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग इस पे चढ़ेंगे। चलिए ऊपर चढ़ के आपको इसका व्यू दिखाते हैं। पटना से हमको यहाँ आने में करीब लगभग 1.5 घंटा के करीब में लग गया है। हम लोग आ गए हैं रेल पहिया कारखाना बेला में, रेल व्हील प्लांट है ये है बेला में। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। और अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आपको इससे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। अगर आप NTPC या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो आपको इसमें जॉब करने का भी मौका मिलेगा। ये जो रेल लाइन गया है ये देखिए, ये पहिया कारखाना के अंदर गया है ताकि जैसे कि कोई भी सामान ले जाना है या फिर पहिया जब तैयार हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सुविधा के लिए ये बनाया गया है। देखिए ये सीधा पहिया कारखाना के अंदर जा रहा है। देखिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेल व्हील प्लांट बेला में है, आवासीय परिसर रेल पहिया कारखाना के लिए। इसी के अंदर अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है साथ में। इसके अंदर देखिए बैंक भी अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स भी है, मार्केट भी इसी के अंदर अवेलेबल है। ये है जो लोग रेलवे व्हील प्लांट में काम करते हैं वो लोग के लिए, यहाँ पे देखिए स्टाफ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है रहने के लिए है। उसी के अंदर ये कॉलोनी है, ब्लॉक वाइज देखिए है, टाइप 3 ब्लॉक ए ब्लॉक वाइज है। और इस साइड में जो है कि नया वाला है, नया बिल्डिंग इधर बन रहा है रेलवे स्टाफ के लिए रहने के लिए। कैंपस के अंदर ये देखिए SBI बैंक भी है। स्टाफ रेस्ट हाउस है, ये कैंपस के अंदर ही है स्टाफ रेस्ट हाउस। नंबर जो है यहाँ से गेट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा का है गेट है। और साइड में इधर दुकान भी है, मार्केट है छोटा सा। कैंपस देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे देखिए एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग है और पूरा कैंपस है इसके अंदर। हमें रेलवे व्हील प्लांट के अंदर वीडियो बनाने का परमिशन नहीं मिला,
और सेफ्टी रीजन के लिए सेफ्टी का कारण दिया गया है, उसी के लिए हमें वीडियो अंदर से बनाने का परमिशन नहीं मिला, परंतु कुछ इमेजेस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए, ये है रेलवे व्हील प्लांट के अंदर का है, कुछ इमेजेस है, देखिए। ये हमारा लास्ट है, यहाँ पे देखिए भैया का है। इसके बाद हम लोग को मोटिवेशन वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, उसके लिए देखिए हमारे चैनल पर आपको चैप्टर वाइज साइंस का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए जैसे कि साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, जैसे देखिए मात्रक और विमाय चैप्टर के अंदर 100+ MCQ क्वेश्चन अवेलेबल है, उष्मा और ताप के अंदर 200 क्वेश्चन अवेलेबल है, उसी प्रकार से ध्वनि तरंग के अंदर भी आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के भी 100+ MCQ क्वेश्चंस अवेलेबल है, न्यूटन की गति के नियम से भी 110 क्वेश्चंस अवेलेबल है, इसी प्रकार कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर के साइंस के फिजिक्स के 90 क्वेश्चंस अवेलेबल है, एक ही जगह पे मिलेगा आपको एक ही वीडियो में। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज पूरा वहाँ पे विज्ञान को कवर किया गया है और धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। प्रक्षेप गति भी अवेलेबल है। देखिए कुछ मोटिवेशन पर्पस के लिए हमारे चैनल पे कुछ वीडियो भी अवेलेबल है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का इंटरव्यू भी अवेलेबल है, ठीक है। मोशन चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, विद्युत धारा के 180 से भी अधिक क्वेश्चंस अवेलेबल है और उष्मा और ताप के भी अवेलेबल है। कुछ आपको मोटिवेशन के लिए कोलकाता जोन का रेलवे क्वार्टर कैसा होता है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे चैनल के पेज पे। तो चैनल को जाइए, प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या आप इस चैनल पे नए हैं, आपको जरा सा भी ये वीडियो हेल्प हुआ या फिर मोटिवेट हुए, तो हमारे ये जो चैनल है MG मनीष गुरु GK & GS, जो कि मैं हूँ पटना से, एडुकेटर हूँ, GS टीचर हूँ पटना में। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ये सभी का जो PDF है, ये सभी का PDF भी आपको फ्री में चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।